मैंने अभी तीन वक्ताओं के भाषण सुने, दो की पंजाबी बहुत शानदार थी, लेकिन मैटर देश के किसानों को और देश को गुमराह करने वाला था, मान साहब का और बिट्टू भाई का, और एक बहुत अच्छी लाजवाब उर्दू में बोल करके गए हैं, लेकिन फिरका प्रस्त उनका भाषण था। आज मैच फंस गया था अभी 20 मिनट पहले, जब बिट्टू भाई बोल रहे थे तो अनुराग ठाकुर ने पूछा, जब उन्होंने कहा कि देश की मंडियों पर यह कानून लागू हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से दोनों पंजाबी में ही बात कर रहे थे, अनुराग ठाकुर ने पूछा एक मंत्री की हैसियत से, हम भी पूछ सकते हैं कि कौन से धारा के, कौन से पेज के, कौन से पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि मंडियों पर ये कानून लागू होगा, सिंपल सवाल, और वो कोई जवाब नहीं दे पाए, फंस गया मैच। और इसी समय पूरा देश देख रहा था, विपक्ष और पक्ष का आज मैच फंसा हुआ था कि ये जो 2 महीने से हो रहा है आज जवाब आएगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सिद्ध कर दिया कि बिट्टू भाई कि देश को आप भ्रमित कर रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ में किसान की मंडी समिति पर यह कानून लागू नहीं होगा, और इस पर आप इतना बौखला गए कि फिर तुसी तू तू तो रात पर आ गए, तो मैच फंसा हुआ था आज। और जैसे वो होता ना क्रीज में आए या नहीं आए वो 10 बार दिखाया जाता है, बागल जी आप ऐसे ही देश देख रहा था, जिस सभापति महोदय ऐसी देश देख रहा था, लेकिन आज कांग्रेस और इनके सहयोगी और बिट्टू भाई पूरी तरह आउट हो गए अनुराग ठाकुर की गुगली पर। वो मोहतरम उर्दू में बहुत अच्छा बोल करके गए, उनके अब्बा हुजूर के साथ में 3 बार MP रहा हूं, आज मुझे लग रहा है कि उनकी पढ़ाई पर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में किया गया पूरा पैसा बेकार चला गया। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, अकलियत अकलियत अकलियत, आइन आइन आइन, जिन्हे लाही जिले लाही जिले लाही, मैं कंडेम कर रहा हूं। जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो आइन की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आपातकाल में और ऐसे ऐसे अपने पक्ष में संविधान संशोधन करे हैं वोटों के खातिर, और वो अकलियत की बात कर रहे हैं। हाशिमपुरा और मलियाना में जब पुलिस में मेरठ में था मैंने देखा है, तुमने तो जलते हुए मकानों की कहानी ही सुनी, मेरी इन आंखों ने जलते हुए इंसानों को देखा है, वो वहां पर बैठे हैं और अकलियत की बात कर रहे हैं। इतना खराब फिरका परस्त भाषण मैंने कभी नहीं सुना, इतना हार्वर्ड में पढ़ने वाले का। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए, गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छोड़िए, लेकिन मेरे मित्र ओबीसी जब खड़े होते हैं तो केवल फिरका परस्त बातें और हमेशा धार्मिक बातें इस प्रकार के करते हैं। आप जिले लाही जिले लाही जिले लाही कर रहे हैं, अरे भैया उर्दू है लेकिन इसका अर्थ होता है बादशाह। देश की आजादी के बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने साथियों के साथ आइन लिख रहे थे तो उन्होंने बेगमों की नसबंदी कर दी, कोई नहीं पैदा होगा नवाब और ना रानी के पेट से राजा पैदा होगा। अब बैलेट बक्से से गरीब जनता अपने सेवक को चुनेंगे, और जिसको आप जिले लाही कह रहे हैं वो अपने को प्रमुख सेवक कहता है और वो अपने को चौकीदार कहता है। पहले उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि चौकीदार हूं, बाद में हमने टी शर्ट पहनी कि मैं भी चौकीदार हूं। उनको जिले लाही कहना क्या ये उचित है? इसलिए कई भी कई बार ओबीसी भाई तुम्हारे भाषण को लग के अच्छा था कि परिंदा और पक्षी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि परिंदे कभी फिरका प्रस्त नहीं होते, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, और तुम केवल मस्जिद पे ही जाके बैठते हो, कभी मंदिरों की तरफ ये परिंदा कभी बैठता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। सर मैं कहना चाह रहा था कि भाषण सुन रहा हूँ मैं, विपक्ष के सब बड़े नेता बोल लिए, तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। इसलिए तो मैं इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, युग शताब्दी नहीं, इस कलयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि और इस शताब्दी का सबसे गैर जिम्मेदार बयान पर अपनी बात कहना चाहूंगा। अभी तो यह आपकी नोकझोंक की वजह से मेरा यह भाषण हुआ। सुना है समुद्र मंथन हुआ था, ऐरावत हाथी निकला था, उच्चेश्वरवा घोड़ा निकल रहा था, पारजात का फूल निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, विष और अमृत निकला था, निकला होगा। लेकिन इस कलयुग में जब वैश्विक महामारी थी, कोई एक देश की नहीं थी, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने जो अमृत निकाला है उसका नाम वैक्सीन है।
पूरे कलयुग की, लेकिन हमारे मित्र उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति का इस शताब्दी का सबसे गैर जिम्मेदारान बयान है। उन्होंने कहा ये भाजपा ही वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, डर डर वाजिब है। अगर ये भाजपा ही वैक्सीन है जैसा उन्होंने कहा, तो अगर वो ये लगवा देंगे तो अंत्योदय और एकात्म मानववाद की बात ना करने लगे। अगर उन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली तो एक प्रधान एक विधान एक संविधान की बात ना करने लगे। अगर वैक्सीन लग गई और ये भाजपा ही है तो 370 और 35A पे कहीं समर्थन ना कर दे, CAA की वकालत ना करने लगे। और जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने 3 तलाक समाप्त किया है, कहीं 3 तलाक के पक्ष में ना वैक्सीन के बाद बोलने लगे। अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण ना कहीं समाप्त कर दें, जाति राजनीति कहीं समाप्त ना कर दें। और मुझे तो लगता है कि इसी लोकसभा में वैक्सीन के बाद जब पहली बार आएंगे तो जय श्री राम का नारे से अपना भाषण ना शुरू कर दें। और उससे भी ज्यादा उनको डर लग रहा है कि रामलला के मंदिर का कहीं चेक ना वो काट दें, इसलिए वो इस वैक्सीन को लगाने से मना कर रहे हैं। लेकिन मैं गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं बागल जी, प्लीज अभी तो शुरू किया सर, तो अभी तो शुरुआत है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, नो मोर देन 20 स्पीकर्स आर मोर देन 20 लीडर लीड करता है, उनकी भी फॉलोइंग है, उनके कपड़ों की नकल होती है। वो काली जैकेट पहनते हैं तो उनके अनुयायी काली जैकेट पहनते हैं। अगर उन्होंने नहीं लगाई तो क्या आप कभी इस लड़ाई को जीत पाएंगे? अगर एक भी बच्चा पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाएगा तो ये संक्रमण होता जाएगा। ऐसे एक भी प्रोटोकॉल के अनुसार जिनको लगनी है, अगर इनकी बात लगा लेंगे तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए मैं साथियों कहना चाहूंगा, हाँ आपको भी याद कर लूं, मैं जब छोटा था तो एक नारा सुना था, वैसे तो बढ़ाने इनको चाहिए। और वो अनुराग भाई नारा मालूम क्या था? दो शब्दों के एक नारे ने खेल कर दिया, गरीबी हटाओ। इनकी दादी के जमाने में गरीबी तो नहीं हटी, आप मालदार हो गए, गरीबी आप हटा ही नहीं सकते। 5वीं पीढ़ी है राहुल जी की, जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। मैं मोतीलाल जी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि सदन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी 5वीं पीढ़ी है, और 5वीं पीढ़ी बर्बाद भी कर देती है ऐसा भी कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी बर्बाद भी कर देती है। तो आपने कहा गरीबी हटाओ, डल्ला पिलो और एसी पे सोने वाले मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात की कहानी को याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक चादर में काटी हो। नरेंद्र मोदी उसी परिवार से आते हैं, इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। एक शेर सुन लीजिएगा, पंजाब के लोग बड़े शौकीन है, गरीबों का बता देना राहुल जी को, गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? इसलिए ये गरीब लोगों को अच्छा, आपने जब गरीबी हटा दी तो ये कौन लोग थे जिन्होंने 8 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला के चूल्हे प्रधानमंत्री, हमारी दादी नानी को फूंकनी फूंकते चूल्हे में मोतियाबिंद हो गया, अंधी हो गई। आपने गरीबी हटा दी, 8 करोड़ लोग फिर भी गरीब रह गए। आपने गरीबी हटा दी, 41 करोड़ लोग जिन्होंने बैंक की शाखा नहीं देखी थी, राष्ट्रीयकरण बैंकों का आपने किया, लेकिन 41 करोड़ लोग यस आई डू एग्री बट एंड आई एम अ वेरी जूनियर मेंबर, आई शुड आल्सो हैव टाइम, प्लीज कंक्लूड प्लीज। मैं सर पढ़ूंगा नहीं बिल्कुल, मैं आपकी आंख में आंख डालकर आज बात करूंगा। तो 8 करोड़ लोग गरीब फिर भी रह गए जबकि मिसेज गांधी ने गरीबी हटाओ को बात नारा किया। 41 करोड़ लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया, लेकिन बैंक की शक्ल आपने देखने नहीं दी। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। एक शेर है कि मैं अपने बच्चों के खातिर जान ही दे देता, लेकिन गरीब की जान का मुआवजा कम है। मोदी जी ने 2 लाख रुपए, अगर कोई देवी आपदा मरेगा तो केवल 3 नए पैसे प्रतिदिन के बीमा पर, सर जो सिक्का आपने बंद कर दिया है फाइनेंस वालों ने, उस 3 रुपए 3 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 12 रुपए सालाना के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मिलेगा, और इसी प्रकार से 9 करोड़ लोगों को इस प्रकार से 21 करोड़ 2 लाख मिलेगा। नो प्लीज शैल आई स्टार्ट सर? सर शैल आई स्टार्ट? धन्यवाद चेयरपर्सन सर।
Shall I start or? No, it is not the problem of mic. You conclude karo, conclude karo. It is. Please. गांव में सड़क पर शौच करते हुए महिला को किस प्रधानमंत्री ने नहीं देखा, किस एमएलए एमपी ने नहीं देखा? जी, धड़कता हुआ दिल होना चाहिए था प्रधानमंत्री ने, इन्होंने गरीबी हटा दी, लेकिन 10 करोड़ शौचालय 12,000 की केवल कीमत वाले पर, इन्होंने गरीबी हटा दी, लेकिन आयुष्मान के लिए 5 लाख रुपए, हम बीमार होते हैं तो काढ़ा पीते हैं, तुलसी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर 20-30 रुपए से इलाज कराते हैं प्रधानमंत्री, अब गरीब धन के अभाव में कोई नहीं मरेगा, प्रधानमंत्री ने 5 लाख, भैया 5 लाख